अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आप सबकी बान। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज है 18 तारीख और कल है 19 तारीख, तो ऑब्वियसली सबको ही पता होगा। बट 18 को 12 बजे के बाद लग जाएगा 19, तो है अफान का बर्थडे और हम लोग सब लोग आज जाएंगे उसके बर्थडे के लिए। बट ये बात अफान को नहीं पता है, हम लोग इसको सरप्राइज दे रहे हैं क्योंकि जैसे उसके पेपर्स चालू हुए तो पढ़ाई नहीं करेगा, फिर उसी में ध्यान रहेगा, एक दिन और वेस्ट हो जाएगा पूरा। और मंडे के दिन एक्चुअली उसकी छुट्टी है रक्षाबंधन है, तो मंगल के दिन वो जाएगा स्कूल और पढ़ाई रहती है। बच्चों का ऐसा होता है फिर इसी में लग जाते हैं, तो अपनी पढ़ाई रह जाती है, उसी में खेलने में लग जाएंगे और दिमाग से भी निकल जाएगा फिर ज़्यादातर, और सोएगा भी नहीं, सब मतलब प्रॉब्लम्स रहते हैं ये बच्चों का। तो इसलिए सोचे थे कि अभी नहीं, उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो उसका सेलिब्रेट करेंगे। और सेलिब्रेट भी लाइक ऐसा है कि बस वही घर के अंदर सब फैमिली होगी, गेट टुगेदर जैसे ऑलमोस्ट होती है। तो और लास्ट टाइम पे भी बर्थडे उसका इसी हम लोगों ने सेलिब्रेट किए थे, उसको सब उसके दोस्तों के साथ में और भी लोग जो उसके पहचान के, उसके बच्चे जो रिसेंटली उसके दोस्त बने थे जो भी, उन सब के साथ में अफान मतलब सेलिब्रेट करने के लिए गया था। जैसे कहा तो एग्ज़ाम था, सभी के बच्चों के एग्ज़ाम ही स्टार्ट है, उसके क्लासमेट वगैरह सब तो नहीं कर रहे थे, बट उसको ऐसा लगा कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो दीदी बोली ठीक है, तो हम लोग तो वैसे भी इसको सरप्राइज़ देने वाले थे, तो हम लोग बोले हम लोग नहीं आ रहे, हम लोग ने ऐसा बोला हम लोग नहीं आ रहे, बट हम लोग सब जा रहे हैं और मून भी आ रही है। मून से मेरी बात जब मिली थी तभी हो गई थी, अफान के बर्थडे में आएंगी, वैसे भी वो रुकने वाली आने वाली थी। तो ठीक है चलिए, फिर उससे पहले मेरे बाल में कलर करना है मुझे, चलिए ना वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले चलिए मैं आपको दूसरा काम निपटा देते फिर मैं आपको कलर के बारे में बताऊंगी। तो अभी मैं ना कलर करने जा रही हूँ मेरे बालों पे। हर वक्त मुझे जाना पड़ता है पार्लर, पार्लर में बहुत कंटाला आता है, बहुत टाइम चले जाता है, मेरे को तो बहुत ही कंटाला आता है। पार्लर में जाओ फिर तुम्हारे बाल को कलर करो, मैं हमेशा ब्लैक कलर हटाने की सोचती हूँ, तो वो बहुत कोशिश करते वो लोग कि ब्लैक हट जाए, ब्राउन आ जाए, ब्लॉन्ड आ जाए या जो भी है, बट एट दी एंड में ब्लैक ही आ जाते हैं मेरे। अभी मैंने रिसेंटली दुबई जाने से पहले मेरे बाल में कलर करवाई, तो घूम फिर के वो सोचे घूम फिर के वही हुआ कलर। तो मैं एकदम फेडअप हो गई थी कि अब मैं ना जाऊँगी ना और कलर करवाऊँगी नहीं। तो अफशा ने बोली, उसकी जो एक कलीग फ्रेंड बोलेंगे ना, कलीग बोलेंगे, तो वो जो उसने ना कलर लेके आई थी थाईलैंड से, अभी देखो उसे ये कलर लेकर आई। तो अफशा बोली ये बाल में कलर करके देखो कैसे आता। अच्छा मैंने डब्बा देखी ना, तो देखो डब्बे के ऊपर कौन सा कलर किया हुआ है। मैं बोला अल्लाह मेरे को पर्पल कलर करवाएंगे अफशा, मेरे को लगा वो पर्पल। तो बोली ना मम्मी पर्पल नहीं होगा, ये जैसे तुमको चाहिए वही होगा। अब जैसा मेरे को चाहिए वो मैं इमेजिन कर सकती हूँ, इसमें नहीं मालूम। तो ये समझ लो हम लोग एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं मेरे बालों पर, देखते क्या कलर आता है। तो बस अभी मेरे बाल पर कलर ना माई मेरे बाल पर कलर करेगी, क्योंकि ब्रश लेकिन पीछे नहीं कर सकती, आगे आगे कर सकती हूँ। तो ये ट्यूब है, ये कलर है, मिक्स करेंगे अभी, चलो मिक्स करते और स्टार्ट करो, देखते कौन सा कलर आता है। और उसने ये भी बोली अगर अच्छा कलर आएगा, अच्छा लगेगा ना, तो फिर मैं भी अपने बालों पे ये करूँगी। अम्मी एक्सपेरिमेंट है। हाँ एक्सपेरिमेंट के लिए मैं ही मिलती ना तुम लोग को, बोली तुम्हारा करके देखो बाल पे, चल देखते क्या बोलता जैन तू। जैन यू कर रहा है जैन बोलता तुम लोग एक्सपेरिमेंट के लिए बने हुए। हाँ तो मेरे को एक्सपेरिमेंट खड़ा करेंगे ना, बोलेंगे बाल गई तो वांदा नहीं, टेंशन नहीं, बाल कर सत्यानाश हो जाएंगे तो वांदा नहीं है ना, नहीं ना चाहेंगे इंशाल्लाह। हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, बालों में कलर अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। चलो जो कितना क्यूट लोगों ने मेरे को ये ब्रश भी दिया साथ में, वहीं इतने बड़े से आईब्रो बनाएंगे। अच्छा इस पर मुच्छी बनाए, वाह वाह वाह, लड़के लोग के लिए। और लोग ने ना ये भी दिए, ठीक है ग्लव्स जो हमारे पास है। ठीक है चलिए बाल कलर करते, पूरा प्रोसीजर फिर आपसे मिलते। तू नहीं आ रहे, पहले ही नहीं आ रही। अरे क्या है, मैंने ये खोले ही नहीं हो गया। अच्छा ओह माय गॉड, अरे ये म्यूनी जरा समझ गया म्यूनी जी हो, ये पहले रेड निकला और अब ये कलर मिलाना चाहिए था। अरे ये पूरा नहीं, ये तो देख ला पढ़ ले एक बारी,
वैसे भी ये आपको समझ में आएगा इसमें लिखा ना चाइनीज ये ना चाइनीज लिखा है फर्स्ट ग्लव्स एंड देन मिक्स ग्लव्स तो मेरे को भी पता फिर निकालो एंड देन लगाओ एंड देन हो जाएगा बस मुझे नहीं मालूम है आप क्या कर रहे हो अरे तो पूरे के लिए पूरा जाएगा बट मैंने आधा रख दी ना आपने बोला मैं पहले थोड़ा स्टाइल बोलूँ ट्राई करूँ चीज डिप इज रेडी फिर से छुट्टी का खत्म हुई फिर से नेक्स्ट छुट्टी गिन दिए मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे सैटरडे की अब अगर आपकी नेक्स्ट ओनली थर्सडे फ्राइडे सैटरडे नहीं मिल नहीं भाई नहीं बहुत अल्लाह सो जा अम्मी मत अस्तर आ जाएगा हाँ कौन आएगा अस्तर आ जाएगा कपड़े का अस्तर ले सो स्वीट ऑफ देम देखो कितना अच्छा ग्लव्स तो मिलते हैं यहाँ इंडिया में भी अपने बट कितना अच्छा था ये कान के कान नहीं खराब होगा इसलिए ये भी दिए हैं कैप तो चलो यहाँ पे भी कभी कभी आ जाता कभी कभी नहीं आता ये पहनने के बाद कलर के बाद ही और कितने मतलब कितना कितना प्यारे लोग एप्रॉन भी दिए सो स्वीट बस इतना क्या मेरे को समझ पूरा एप्रॉन जंपसूट लग रहा है मेरे को हाँ मैं कहाँ से खोलूँ ऐसा था आपने उसको फाड़ दिया ये नहीं महीन ये ऐसा है ऐसा नैपकिन सो स्वीट कितना ज्यादा कितना मतलब एकदम परफेक्ट हर चीज को कितना अच्छे से दिए इंडिया का थाईलैंड अल्लाह ना ही तो हूँ अभी देखते क्या कलर है मैं भी खुद देखी नहीं दिख रहा कुछ दिख रहा क्या मालूम चलो बाल सुखाते कलर दिख रहा है ऊपर से तो दिख रहा है ना बाल सुखाने अच्छा लग रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है कलर देखते सुखाने के बाद ही मालूम पड़ेगा ठीक तो जब मैं बाल टॉवल निकाली तो मैंने देखी तो गीले बाल में ना समझ में नहीं आता है कि क्या कलर आया और क्या नहीं आया तो मैं बोली एक बार जैन को कि मैं पूरे बाल को सुखा देती हूँ फिर देखती तो मैंने बाल को पूरा ये सुखा दिया है हेयर ड्राई से तो मुझे थोड़ा थोड़ा सा इसमें ब्राउन कलर दिख रहे हैं जैसे तो पूरा ब्लैक कोटिंग था ना तो वो निकल गया है अभी ये ब्राउन आया अभी मैं बाल को थोड़ा सा आइनिंग करती हूँ फिर देखती हूँ कि क्या आइनिंग अभी के थोड़ा बाल बहुत रफ है ना तो वो हिसाब से समझ में नहीं आ रहा था मतलब थोड़ा सा तो अभी आइनिंग करते देखते फिर नहीं तो वरना तो कोई बात नहीं चलेगा तो चलिए अभी मैं बताती हूँ कि मैं क्या पहनने जा रही हूँ और फिर उसके बाद में पहन लेते हैं ड्रेसेस फिर क्या पहनने जा रही हूँ पहला तो फिर उसके बाद में मैं आपको रेडी होके मिलती हूँ ठीक है चलिए तो ये है मेरा आउटफिट मैं अभी ये ड्रेस पहनने जा रही हूँ तो चलिए पहनते हैं तो देखिए मैं हो गई रेडी और मैं जा रही हूँ अभी सोहेल के साथ में और बाकी शकलेन जैन अफशा सब बाद में आएंगे हम लोग सब बाइक पे जा रहे हैं तो पहले हम लोग निकल जाते हैं तुम लोग पिक्चर में तेरा ये बना दी हम लोग निकल जा रहे हैं तो ये रेडी तो है बस हम लोग वन बाई वन मग सब आएंगे पीछे से रेडी हो गया हाँ रेडी हो जाएगी तो मैं जा रही हूँ सोहेल के साथ में ये है मेरे चचेरे भाई का बेटा मेरी जो खाला भी है मेरी चाची भी मतलब मेरे चाचा भी सगे चाचा तो उनके बेटा जो मेरा भाई है उनका बेटा है ये सोहेल तो हम लोग इसको बादशाह बोलते हैं सोहेल बादशाह है ये तो बस इसके साथ में ही मैं बाइक पे जा रही हूँ तुम लोग सब लोग आ जाओ हाँ मैं पहुँच जाऊँगी जल्दी से तो थोड़ा सा अफान मेरा मतलब अफान की मम्मी बोली थी कि जल्दी आना अब मैं खास हूँ ना मैं खास हूँ उसके लिए बान करते रहते लेकिन बचपन से मेरे पास ही रहे ना तो इसके लिए और ज़्यादा करके सब लोग बोलते ना कि अफान बांध कैसा दिखता तो मेरी छाव लगेगी ना उसको पैदा होने के टाइम पे भी वही और फिर साथ में ही मेरे मतलब इतना सा था ना उसकी मम्मी यहीं पे छोड़ती थी मेरे पास ही रहता था उसको कि ना छोटा में पढ़ता था ना तो चलो हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करते लेट नहीं करते आपको भी नहीं पकाते मिलते आपको डायरेक्ट वहाँ पे अगर बीच में कुछ हुआ तो शूट है नहीं तो डायरेक्ट वहीं पे मिलेंगे चल तू संभाल क्या तुम लोग ना चल सो हम लोग पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह से अभी बस वेट कर रहे हैं लिफ्ट की अभी लिफ्ट आएगी फिर ऊपर जाएंगे और हम लोग है ना सोहेल अब इसको फान को सरप्राइज है ऊपर चढ़ेगा ना तो ये बोला हम लोग बर्थडे के लिए
ऐसा बोलेंगे हम लोग यहाँ कुछ काम से इधर आए, टेलर के पास हाँ यहाँ टेलर के पास आई थी, तो मैंने चलो मिलो जाती, बाद में बोलेंगे उसको सरप्राइज करेंगे। कौन बैठा है अंदर? खुला थोड़ी है, मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पकड़ पकड़ बान बान बान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मजे में? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? हम लोग तुम्हारा काम ही वही है, क्या करेंगे? किस हालत में बैठे हैं तुमको नहीं मालूम? हैं अच्छे बैठे, बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। ये बच्चा कौन? ये मेरे भाई चाची जो है ना आए थे, मेरी चाची, मेरी चाची मेरे चचेरे भाई का बेटा। चाची ने कहा था तुमने अफान को बोला हम लोग आ रहे, अफान को बोला हम लोग आए करते नहीं ना, मैं आएगा ना तो मैं बोलूंगी कि मैं टेलर के पास आई थी, बस अभी निकलूंगी। हाँ मैं बोलूंगी मैं टेलर के पास आई। हाँ वो मैं लेके चले गए कप, ये कप है ना, अरे वो गिर गई थी मालूम हो, हम लोग कार में बैठे तो मेरी पूरी चाय अंदर गिर गई थी। कौन सी, कहाँ पर? अरे हम लोग इससे पहले गए थे ना, हाँ। जब मैं आई थी आपकी, हाँ उसी में हम लोग ने चाय, गरम गरम चाय से धक्का लग गया ना तो गिर गया। जरा होगा ना, नहीं लगा एक्चुअली ना, मैं फट से ऐसा उठ गई ना, तो मैंने ब्लॉग भी नहीं डाली थी, फिर इस्तेफाकन हो गया तो मैं कैसे डालू। अंशरा भी आ गई, मम्मी भी आ गए, यहाँ भी सब बैठे, कुछ सामान ले देंगे, सामान खरीदेंगे। कौन पीछे? अच्छा माही ने मेरे को। अस्सलाम वालेकुम। आ गए ये लोग भी। अस्सलाम वालेकुम। ये जीरो लोग भी आ गए। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी है? बोट मम्मी का है? मम्मी लोग मम्मी में है। अच्छा आएंगे ना? WWF हो रहा है वहाँ पे। ये क्या लाइक? ये दीपिका बन गई सेम, वैसी लग रही है ना, वैसे लग रहा ना। बनाया पाए का सालन, और ये बनाया सैलेड। इसकी रेसिपी में बाद में, अभी बहुत गड़बड़ है यहाँ पर, इसकी रेसिपी में बाद में बताऊंगी। सैलेड का मिल खा रहा है, कैसा लगा खाना? अरे सबके सब बिजी हो गए खाने के लिए, कुछ भी कैसा बना, कैसा लगा? अरे ये पाए का सालन दीदी बनाया, बहुत प्यारा है,
कैसा लगा साजिद सालन? बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं, अच्छा है ना। अच्छा ही बोलेंगे ना, बुरा बोलेंगे तो बोलेंगे। अच्छा है तो अच्छा ही बोलो, जो भी है जेन्युइन जवाब। नहीं अभी तक पाया अच्छा की नहीं, तो मतलब फीका मतलब नमक भी इसमें, बाकी ये कटलेट और चिकन अच्छी है ना। जी सोफू बना रहा था, ने बोले क्या? कि मैंने पिक्का इसके लिए रखी कि मैंने कहा कि नमक ज्यादा हो जाए। कम होगा ना तो डाल सकते, बस नमक की थोड़ी कमी है ना। मैं उनको बोला डाल दी, नहीं नहीं बराबर है, मैं तेरे हिसाब से तो बता, जिसको चाहिए ना वो प्लेट में देखे डाल। क्या चाहिए? क्या पाए पाए खा खा पाए खाएगा ना, ये पाए हड्डी अच्छा अच्छी हो जाएगी तेरी इंशाल्लाह। अनम चक्की के नहीं, अनम कुछ चक्की के नहीं, नहीं करूं चना पानी क्या रेड। क्या बोल रहा मामी, क्या बोल रहा बोलो, रख दे हाथ में कैमरा, तो क्या बोलो पहले ये रख दे बोलो मम्मी, एक हाथ में बोल है बोल रही थी बिच्छू बैठी, हां इसीलिए क्या रख दी मैंने, खाओ जब उसका हाथ छूट जाएगा ना फिर। और क्या बंद साइलेंट ही खा रहे हो उससे कुछ अभी सोची ये टाइम में ये बन गई, मैंने स्टिच करवाई, मैं ये तो खाने को तो उनसे कुछ ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा नहीं करना चाहिए अभी, मतलब मैं खाना खाते हैं पेट में कुछ लग जाता है एकदम ऑन द स्पॉट। कोई बोलेगा नहीं ऐसी दुबली पतली लड़कियों भी मोटे मोटे दिख जाते कभी कभी, बोले पतली में तो पतली पेट दिख दिया खाना खाओ और फिटिंग में होता अभी कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी मम्मी बर्थडे बस अभी उधर से स्टार्ट कर मामा।
बाजर अभी बचे हो और घोड़ा था उधर ऑलरेडी अभी बचे बाजर एमडू जा अभी बटे बाजर बड़ा कट काटो ना पीला अभी बचे हो अरे मेरे बटे मारी नहीं जाएगी ओले मम्मी ये सब क्या हो गया मैं वहाँ से देख के मैं भी देख के क्या हो गया क्या हो गया कैसा 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 क्या हुआ क्या कर रहा है बात करते करते ना कैसा कैसे बता बट एक ने उसने क्या कर दिया एक बंदे दो बंदे नहीं उसकी वजह से नहीं बाइक है उसके साथ में रिक्शा में रहेंगे मतलब तीन लड़ हम लोग साथ में चलेंगे मैं ना अफशा उसको भी दोनों के साथ बैठ जाऊंगी चलो 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 अवेश अल्लाह हाफिज इनको भी नहीं पता है आपने बोला था आप लोग जाइए अरे वो तो फिर आ जाना नहीं नहीं देखने का तो इनको नहीं मालूम है गेम वो भी चलो कोई नहीं नहीं इनको भी नहीं पता इनको पता नहीं मैं वही तो बोली इनको भी नहीं पता हाँ हाँ इनको भी नहीं पता ना तो हम लोग भी रिएक्शन अच्छा रहेगा इनका तो चलो अभी हम लोग भी जा रहे हैं अभी घर बाकी के लोग सब आगे आगे निकल गए हैं लेट हो गया है तो बस सभी निकल रहे और बहुत अच्छे इन्जॉय किए अल्हम्दुलिल्लाह से सब ने इन्जॉय किए हैं और गेम वगैरह भी खेले तो आप लोग देखना मुंजरीन के ब्लॉग में है सब जो बहुत बहुत मज़ा किए और कुछ फ़नी रिएक्शन भी हमारे सब थे वो अभी हम अभी नहीं बोलेंगे आप देखना बाद में तो चलिए हमारे ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं चलो एंड करो अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ बोले एंड करते लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना हाँ एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो के साथ में जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ टेक केयर दुआ में याद रखिए चलो बाय बाय चल तू अब सीधे पहले हम लोग वहाँ से रिक्शा पकड़ लेंगे चलो